Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स. बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का हमने जो सीरीज स्टार्ट किया वो फिजिक्स को समझने के लिए सबसे ज़रूरी होता है. आज के हम इस टॉपिक पर, आज का हमारा मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री. देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ब्रॉड मैथमेटिक्स है, लेकिन फिजिक्स में इसका जितना एप्लीकेशन है, जितने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से, जितने कॉन्सेप्ट से हमारा फिजिक्स का टोटल काम चल जाता है, हम आज उतने टॉपिक को कवर करेंगे. तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वैसे आप 10th क्लास में भी इसको पढ़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे ऐसे फार्मूला आपको बताऊँ जो आपका फिजिक्स में एप्लीकेबल हो. इस तरह से आप कोशिश करेंगे कि हमारा जितना भी फार्मूला है वो लर्न हो जाए और वो सारे प्रोसेस हमको समझ में आ जाए जो हमको फिजिक्स में जरूरी है. और ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स है जो स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बनाया गया. वैसे कंडीशनल फॉर्म में और ट्राइंगल में होता है, लेकिन हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल पर बात करेंगे. देखिए, ये आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है. राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो. यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है ए बी सी. इसमें ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है. ये 90 डिग्री का जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है. अब राइट एंगल ट्राइंगल में इसको जो थ्री साइड्स होते हैं, वो साइड्स के सबके अपने अपने अलग नाम होते हैं. यहाँ पर देखिए, ये 90 डिग्री है और एंगल ए एंगल बी यहाँ पर एक अननोन एंगल है. सपोज मैंने इस एंगल सी को थीटा सपोज किया. एंगल सी को थीटा सपोज करने पर उसका जो अपोजिट साइड होता है, ए पी इज अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर को हम अपोजिट साइड भी कहते हैं. नेक्स्ट, 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस होता है. और थर्ड साइड जो होता है वो होता है बेस. इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल के जो तीन साइड्स हैं, तीनों के अलग अलग नाम हैं. एक बार और ध्यान से सुनिए. अननोन एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है. 90 डिग्री का सामने वाला जो साइड होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल होता है, वो हाइपोटेनस होता है. और थर्ड साइड जो होता है वो बेस होता है. यदि मैं इसको थीटा कहता तो आप ध्यान रखना, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं. यदि ये थीटा होगा तो अपोजिट साइड ये होता, उस टाइम में ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये बेस होता, लेकिन हाइपोटेनस वही होता है. अब जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल में इसके साइड्स के जो रेशियो होते हैं, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, देखिए. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दैट मीन्स साइड्स के रेशियो. तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में. फर्स्ट इज साइन थीटा. साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है साइन थीटा. दैट मीन्स यदि हम साइड के फॉर्म में बोलें तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, ए बी हाइपोटेनियस ए सी, तो ये हो जाता है ए बी अपॉन ए सी. क्लियर. नेक्स्ट इज कॉस थीटा. कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस यहां पर क्या है, बी सी. बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू बेस इज बी सी एंड हाइपोटेनस इज ए सी. थर्ड इज टेन थीटा. टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीन्स इन द साइड ऑफ साइड फॉर्म ए बी अपॉन बी सी. फोर्थ इज कॉट थीटा. कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. दैट मीन्स बी अपॉन पी, बी सी अपॉन ए बी. एंड फिफ्थ इज सेक थीटा. सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस. दैट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस.
AC upon BC, and assist trigonometrical ratio is cosec theta. Cosec theta equal to होता है hypotenuse upon perpendicular, that means AC upon AB. ये 6 trigonometrical ratio होते हैं. अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, बेसिक trigonometrical ratio 2 ही होते हैं, sin theta और cos theta. और ये जो 4 trigonometrical ratio हैं, ये इसे derived है, उन्हीं से derived किया गया है, उन्हीं से इनको बनाया गया है. देखिए किस तरह से बना है ये, आप tan theta के बारे में देखिए, ये जो tan theta है, ये sin theta और cos theta का ratio है. यदि हम sin theta और cos theta को divide कर दें, यहाँ पर इसको tan theta को कैसे लिखा जा सकता है, आप देखिए, perpendicular upon hypotenuse upon base upon hypotenuse, base upon hypotenuse. ऐसा यदि इसको लिख दिया जाए, तो यहाँ पर आप देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने को मिलेगा perpendicular upon base. That means tan theta is the ratio of sin theta and cos theta. Sin theta upon cos theta. That means tan theta is also the ratio of sin theta upon cos theta. Sin theta और cos theta का जो ratio होता है वो tan theta होता है. Cot theta को आप देखिए, cot theta equal to हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ tan theta देखिए perpendicular upon base है और cot theta क्या है, base upon perpendicular. That means इसका just reciprocal है, इसको हम लिख सकते हैं 1 upon tan theta. That means cot theta is also written as 1 upon tan theta, and it is again written as reciprocal of this. क्योंकि tan theta का reciprocal है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, cos theta upon sin theta. Similarly sec theta is the reciprocal of cos theta. Cos theta है base upon hypotenuse, ये hypotenuse upon base. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon cos theta. ये तो जो sec theta होता है cos theta का reciprocal होता है, इस तरह से हम cos theta को और क्या लिख सकते हैं, sec theta को लिख सकते हैं 1 upon cos theta. एंड cosec theta इज द reciprocal ऑफ sin theta. Sin theta देखिए perpendicular upon hypotenuse है, ये hypotenuse upon perpendicular है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 upon sin theta. इस तरह से ये जो 6 trigonometrical ratio अपने पास होते हैं, ये 6 trigonometrical ratio sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta, और इसको इस तरह से हम अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हम tan को sin cos के फॉर्म में लिख सकते हैं, cot को sin cos या tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, sec को इस तरह से लिख सकते हैं. तो ये इसका बेसिक फार्मूला है जो हमको लर्न करना जरूरी है. देखिए फिजिक्स में जो trigonometry यूज़ होता है, या फिजिक्स में जितने भी बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो यूज़ होते हैं, वो हम कोई फार्मूला डिराइव करते हैं या न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो वहाँ पर अचानक यूज़ होता है. पर ट्रिग्नोमेट्री बहुत ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन हमको, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि जितने फार्मूले आज मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहले आप वो फार्मूला लर्न कर लीजिए. यदि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लर्न है, तो आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स है. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला. मैं और जो रिक्वायर्ड फार्मूला है जो फिजिक्स में यूज़ होता है, अभी आपको अपने वीडियो पर दूंगा, और आप उसको स्क्रीनशॉट करके उसको स्टोर करके रख सकते हैं. नेक्स्ट इज पाइथागोरस थ्योरम. देखिए ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली पाइथागोरस थ्योरम पर चलता है. ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी कॉन्सेप्ट है, उसका बेस है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन ने ट्रिग्नोमेट्री पर एक थ्योरम दिया, वो क्या है देखिए, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो कि हाइपोटेनस कहलाता है, इसका जो स्क्वायर होता है, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम होता है. दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए बी इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम. इसको यदि हम ओनली हाइपोटेनस के लिखना चाहें, तो एच इक्वल टू हो जाता है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये फिजिक्स में मैक्सिमम यूज होता है, या मैथमेटिक्स में. पाइथागोरस थ्योरम के बिना ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी पॉसिबल नहीं है. तो हाइपोटेनस इक्वल टू द रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर.
इस बेस पर ट्रिग्नोमेट्री के थ्री बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव किए गए। देखिए यहाँ पर हमको फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना है तो हम किसी भी फार्मूला के डेरिवेशन पर नहीं जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ओनली फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट जिससे आपको फिजिक्स में काम चलेगा। तो इसके थ्री, इससे जो थ्री फार्मूला बने वो फार्मूला है, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेकंड इज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड इज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये थ्री बेसिक फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसमें ट्रिग्नोमेट्री में नियर अबाउट मैं आपको 15 फार्मूला आपको प्रोवाइड कराता हूँ, और ये जो फार्मूले हैं वो आपको ओनली लर्न करने हैं। मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आपको उसका कलेक्शन दे दूँगा। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला फिजिक्स में बहुत जगह यूज़ होगा। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये फोर फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर साइन टू ए का फार्मूला, टू साइन ए कॉस ए, कॉस टू ए का फार्मूला। इसके बाद सी डी फार्मूला इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। सी डी फार्मूला मीन्स साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये फार्मूले, ये थ्री बेसिक फार्मूले, और ये जो फार्मूला पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो सारे फार्मूले आप कुछ मत करिए, आप डायरेक्ट उसको लर्न करिए। वो आपके बुक में भी अवेलेबल है, और मैं अपने इस वीडियो पर भी आपको उसको प्रोवाइड कराता हूँ। ये देखिए, ये फार्मूला, ये फार्मूले के लिस्ट हैं। आप इस फार्मूले के लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको आप अपने पास रखिए, और जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना हो तो मेरा आपको सजेशन है, सबसे पहले आप फार्मूले रिवाइज करिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कम्प्लीटली फार्मूला पर बेस्ड है। देखिए, इस मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं अगेन एंड अगेन आपको सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप फार्मूला लर्न करिए, उसका उसको अप्लाई करना बहुत आसान काम है। क्लियर? तो ये फार्मूला आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको मैं 54 फार्मूले के नाम से बोलता हूँ हमेशा, 54 नंबर ऑफ फार्मूला सुन के आप चौंक गए होंगे कि सर 54 फार्मूला कैसे लर्न करेंगे, लेकिन उसको मैं आपको लर्न करने नहीं बोलूँगा, उसको रटने नहीं बोलूँगा। ये 54 फार्मूला आपको मैं ट्रिक्स से, अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के बेस पर आपको विद इन 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको ये 54 फार्मूला लर्न करा दूंगा, और ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्या है ये 54 फार्मूला? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ उसका, कि 54 फार्मूला है कौन कौन से। 54 फार्मूला में साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, एक बार मैं रफ आइडिया दे दूं आपको, एक बार काउंट करके आपको बता दूं कि 54 फार्मूला है क्या। देखिए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा एंड साइन 90 प्लस थीटा, कितने फार्मूला हो गए? 2। इसी तरह से फिर कॉस का होगा, इसी तरह से फिर टेन का होगा, फिर सेक का होगा, कोसेक होगा। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हैं, और सबके माइनस और प्लस वाले दो दो, मतलब 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12। तो ये 12 फार्मूला आप समझ गए होंगे कि मैं कितने 12 फार्मूला की बात किया, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ऐसे 12 फार्मूला हो जाएंगे। फिर इसी तरह से आपको साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा, मतलब 180 के केस वाले भी 12 मिल जाएंगे आपको। इसी तरह से अपन साइन 270 माइनस थीटा एंड साइन 270 प्लस थीटा, इससे भी साइन से लेके कोसेक तक ये भी 12 हो जाएंगे। इसका आप एक चार्ट बना लेंगे, मेरे समझाने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। इसके बाद साइन 360 प्लस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा, इसके भी 12 हो जाएंगे। ये हो गए 90, 180, 270, 360। इसके बाद माइनस एंगल वाले, तो साइन माइनस थीटा, माइनस एंगल वाले 6 ही होंगे, क्योंकि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, इसके हो जाएंगे 6। आप टोटल ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 54। क्लियर? तो ये जो 54 फार्मूले, इसका जो कलेक्शन है,
इसको कई बार स्टूडेंट क्या करता है, इसको याद करने की कोशिश करता है कि cos 90 माइनस थीटा इतना होगा, tan 180 प्लस थीटा इतना होगा, cosec, जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है भी तो बहुत लेंदी वर्क है और उसमें आप कन्फ्यूज होते रहते हैं। तो ये जो 54 फार्मूला को लर्न करने का मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, ट्रिकी मेथड पर आपको उसको पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान से मेरे मेथड को समझेंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 5 मिनट में आपके पूरे 54 फार्मूले लर्न हो जाएंगे। अब फॉर यूवर होल लाइफ जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, कोई भी आपको 54 में से फार्मूला कभी भी कॉल करेगा तो आप 30 सेकंड में, हाफ मिनट में आप उसको एक बार ब्रेन से कैलकुलेशन करके उसका आंसर बता सकते हैं। तो कैसे पॉसिबल होता है देखिए, इसको मैं 54 फार्मूला के नाम से आपको बोल रहा हूं, इसलिए मैं इसका हेडिंग भी डाल देता हूं, 54 फार्मूला। आप इसको इसी नाम से जानिए, 54 फार्मूला। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं। देखिए रूल्स, रूल नंबर फर्स्ट रूल मैं इसके क्वाड्रेंट के लिए, जो आपको पता है ये हम 360 डिग्री को 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड करते हैं, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड अगेन 0 इज आल्सो 360 डिग्री। क्लियर? फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। 180 डिग्री से 270 तक इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब फर्स्ट रूल जो बोलता है, रूल नंबर जो फर्स्ट है वो साइन, मैं रूल को वहां पर लिखता हूं क्वाड्रेंट के बाद। देखिए रूल फर्स्ट। तो ये जो क्वाड्रेंट है यहां पर जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हमारे हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साइन डिसाइड होते हैं। साइन कैसे डिसाइड होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, इसमें सबके सब पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड नंबर के क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। साइन होगा तो कोसेक तो होगा ही, उसका रेसिप्रोकल है। थर्ड नंबर में होता है टेन और काट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड में होता है कास एंड सेक, कास और सेक इसमें पॉजिटिव होते हैं। क्या बताया एक बार में ध्यान सुनिए, फर्स्ट में आल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कास पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड काट एंड फोर्थ में कास एंड सेक। इसको हमने रूल में इस तरह से एक स्लोगन की तरह बना दिया, आल साइन टेन कास प्लस अदर्स आर माइनस। ये क्या मतलब हो गया इसका? आल मीन्स फर्स्ट, साइन मीन्स सेकंड, टेन मीन्स थर्ड एंड कास मीन्स फोर्थ। इसका क्या मतलब होगा इस स्लोगन का? आल साइन टेन कास प्लस अदर्स आर माइनस, मतलब क्या हुआ इसका? फर्स्ट में सभी प्लस, सेकंड में साइन, साइन मीन्स कोसेक आल्सो, साइन एंड कोसेक, थर्ड में टेन एंड काट और फोर्थ में कास आर प्लस। ये प्लस होंगे, इसके बाद जो भी वहां होंगे वो माइनस होंगे। फॉर एग्जांपल यदि मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं और वहां मुझे कास का साइन डिटरमाइन करना है तो कास क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि यहां पर साइन सॉरी कास क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि यहां पर साइन बस प्लस होता है। तो ये हो गया फर्स्ट रूल, आल साइन टेन कास प्लस अदर्स आर माइनस। सेकंड रूल इज इन द केस ऑफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। इन द केस ऑफ का मतलब क्या है? 90 डिग्री एंड 270 डिग्री मतलब अभी जो 54 फार्मूला बताया था उसमें जिस फार्मूला में 90 डिग्री यूज होगा और जिस फार्मूला में 270 डिग्री यूज होगा, वो दोनों फार्मूला में क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा? उस केस में साइन कन्वर्ट हो जाएगा कास में, यदि साइन रहेगा तो कन्वर्ट होकर कास लिखेंगे और यदि कास रहेगा तो साइन लिखेंगे। अभी मैं इसका प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, पहले आप इसके रूल्स लर्न करिए। नेक्स्ट हो जाएगा
10 का काट हो जाएगा और काट का 10 हो जाएगा, और उसी तरह से कास का, पहले मैं कास लिख दूं, साइन का, सॉरी ये तो हो गया, 10 का काट, काट का 10 मैंने बताया, नेक्स्ट इज सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। ये आप कैसे चेंज होता है याद रखेंगे, मतलब इन द केस ऑफ जब 90 डिग्री और 270 डिग्री का केस होगा तो उस केस में साइन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कास में, और कास रहेगा तो कन्वर्ट होकर साइन हो जाएगा, 10 कन्वर्ट हो जाएगा काट में और काट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 10 में, उसी तरह से सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में और कोसेक सेक में। तो ये सेकंड रूल है, ये आप लर्न कर लेंगे। इसके बाद थर्ड रूल है, इन द केस ऑफ 180 डिग्री 360 डिग्री नो चेंज। दैट मीन्स जब हमारे फार्मूले में 180 डिग्री यूज हो रहा होगा और 360 डिग्री यूज हो रहा होगा तो ये दोनों एंगल में नो चेंज मीन्स साइन साइन रहेगा, कास कास रहेगा, टेन टेन सब एज इट इज रहेंगे, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं लाना है। और नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इज ऑल निगेटिव एंगल आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट मीन्स जितने भी निगेटिव एंगल लेंगे, सपोज मैं कहीं पर लिखा लेता हूँ साइन माइनस थीटा एंगल के साथ माइनस लगा हुआ है तो उनका पोजिशन रिजर्व है, वो सब फोर्थ क्वाड्रेंट, उसका क्वाड्रेंट सर्च नहीं करना है। यदि निगेटिव एंगल है तो सीधा सीधा किस में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो ये रूल हो गया, मैं एक बार इसको आपको रिपीट कर दूं कि 54 फार्मूला लर्न करने के लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट का नेचर पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या है। यहाँ पर मैंने बताया आर साइन टेन कास प्लस, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ये प्लस होंगे, अदर्स आर माइनस। सेकंड रूल इज इन द केस ऑफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री साइन विल बी कन्वर्टेड इंटू कास एंड कास इंटू साइन, 10 इंटू काट, काट इंटू 10, सेक इंटू कोसेक, कोसेक इंटू सेक। एंड थर्ड इज इन द केस ऑफ 180 डिग्री एंड 360 डिग्री नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। एंड लास्ट रूल इज ऑल निगेटिव एंगल आर इन टेकन फोर्थ क्वाड्रेंट, सारे के सारे जो निगेटिव एंगल्स होंगे उसको हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है। चलिए अब हम सबको 54 फार्मूला लर्न हो गया है, याद हो गया है, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन हमको याद हो गया है। देखिए कैसे, अभी आप बता सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल शो कर रहा हूँ, देखिए ये स्पेस बनाया इसके लिए मैं, ये हम कैसे तैयार करते हैं। सपोज एक सिंपल सा फार्मूला हमको चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, हम उसको कैसे तैयार करते हैं ये आप ध्यान देंगे, ठीक है, आप पूरी कंसंट्रेशन से इस बात को सुनेंगे तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले हमको डिसाइड ये करना है कि ये कौन सा केस है, ये जो मैंने केस लिखा है, तो नेचुरली यहाँ 90 है तो देखिए 90 का केस है, इन द केस ऑफ 90, तो 90 के केस में मैंने लिखा है साइन किस में चेंज हो जाता है, कास में। तो एक बात हमको यहाँ से पता चल गया कि 90 है इसलिए साइन चेंज होकर किस में हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा, ये क्लियर, ये हो गया कास थीटा। तो पहले हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को डिटरमाइन कर लेंगे कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है तो चेंज करके लिखेंगे, नहीं चेंज करेंगे। सेकंड अपन इसमें करेंगे कि इसका साइन क्या होगा, या पहले साइन डिसाइड कर सकते हो तो आपको प्रैक्टिस में आने के बाद आप फटाफट कर लोगे, प्रैक्टिस की बात है मैंने। अब हम यहाँ पर साइन डिटरमाइन करेंगे कि प्लस होगा कि माइनस, तो 90 माइनस थीटा जो एंगल है उसको हम सर्च करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो नेचुरली 90 डिग्री यहाँ तक है और 90 माइनस थीटा हम उससे पहले आएंगे, मतलब कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इज कास थीटा। कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, यहाँ पर देखिए, सपोज अपने को चाहिए सेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा कैसे देखेंगे, देखो किसका केस है, 270 का, वहाँ रूल में देखिए 270 के केस में सेक क्या बन जाता है, कोसेक, तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब हम साइन डिसाइड करेंगे तो साइन कौन डिसाइड करेगा, एंगल डिसाइड करेगा। अब हम इसको सर्च करेंगे कि 270 प्लस थीटा कहाँ पर होता है, तो 270 तो ये हुआ,
270 प्लस थीटा मतलब आगे जाएंगे, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ में। अब फोर्थ में देखो सेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा ये, क्लियर। कोई और एग्जांपल लेते हैं अपन, देखिए अपन ले लेते हैं टेन 180 माइनस थीटा। सपोज टेन 180 माइनस थीटा का वैल्यू हम जानना चाहते हैं, तो टेन किसका केस है, 180 का केस है। इन द केस ऑफ 180 नो चेंज, नो चेंज मतलब टेन क्या रहेगा, टेन रहेगा। तो हमने लिख दिया क्या, टेन थीटा लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ये एंगल है किस क्वाड्रेंट में, तो 180 डिग्री ये है देखिए हमारा, और 180 माइनस थीटा मतलब लेस देन 180, कहाँ चले आएंगे अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कहता है कि ओनली साइन और कोसेक प्लस होता है, और ये क्या है, टेन है, तो नेचुरली ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टेन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस 10 थीटा हो जाएगा। इस तरह से आप 54 फार्मूला में जिसको आपको ज़रूरत पड़े आप ये रूल अप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पढ़ाने से पहले बोला कि 54 फार्मूला आप उसके काउंटिंग पर मत जाइए, यदि आप उसको टेक्निक से तैयार करेंगे तो 54 फार्मूला आपको एनी टाइम प्रिपेयर रहेगा, और आपका मैथ्स में भी काम आएगा, फिजिक्स में तो काम आते हैं। कहीं पर भी हम फार्मूला डिराइव करते रहते हैं, कोई कंडीशन आता है, जनरली वर्क निकाल रहे हैं कहीं भी, एनी वेयर, कहीं पर 180 माइनस थीटा आ गया। अब हम स्टूडेंट से पूछते हैं 180 माइनस थीटा कितना होगा, बता नहीं पाते, या 54 फार्मूला में कौन इतना रट के रख सकेगा। तो यदि आप इस टेक्निक से तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ माइनस एंगल के आपको एग्जांपल बता दूं मैं, जैसे साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा को आपको जानना है, तो यहाँ पर मैंने रूल बताया कि ऑल निगेटिव एंगल आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ आपको क्वाड्रेंट सर्च करने का जरूरत नहीं है, ये कहाँ है, फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ओनली कॉस और सेक प्लस होता है, और ये क्या है, साइन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। यदि मुझे लिखना है कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा देखिए क्वाड्रेंट ऑफ फोर्थ है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। दैट मीन्स कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। इस तरह से स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये देख रहे होंगे कि एक्चुअल में फार्मूला लर्न करना बहुत कोई बहुत प्रेशर का काम नहीं है। आप उसको इस तरह से टेक्निक बना के आप उसको याद करिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरह के वीडियो में बहुत पॉसिबल नहीं है। मैं मैथमेटिक्स के क्लास में इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूँगा, और आपको फिजिक्स में उतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लर्न है, ओनली फार्मूला आप लर्न करके रखिए, आपको इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन को प्रूफ करने ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है फिजिक्स के लिए, ना मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप ओनली फार्मूला लर्न करके रखिए। मैं नियर अबाउट मैं बोलूँ तो जैसे कैलकुलस के अपने क्लास में मैंने बताया था इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का, वैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में नियर अबाउट 20 फार्मूला, वो भी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, 20 फार्मूला आप एनी टाइम लर्न करके रखिए, आप अपने आप को अपडेट करके रखिए। फिजिक्स में कहीं भी यूज़ होगा आप फटाफट रिस्पांस करेंगे। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है कि मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट छोटे छोटे फार्मूला लर्न करके नहीं रखते, और जब वो न्यूमेरिकल्स बनाते रहते हैं या फार्मूला डिराइव करते रहते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पुअर होता है। जैसे हम लोग कहीं फार्मूला यूज़ करते हैं तो खासकर बायो के स्टूडेंट्स, मैथ्स के स्टूडेंट इसको मैथ्स में ही पढ़ते हैं तो इमीडिएट रिस्पांस करते हैं, लेकिन बायो के स्टूडेंट थोड़ा सा उसमें चला जाता है कि क्या होगा। वैसे मैं अपनी फिजिक्स की क्लास में हमेशा इस बात की कोशिश करता हूँ कि मैं खासकर जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाता हूँ तो हमेशा इस बात को ध्यान रखता हूँ कि बायो के स्टूडेंट्स के लिए मैं कितना हेल्पफुल हो सकता हूँ करके, क्योंकि मुझे मालूम है कि बायो के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी मैथमेटिकल टूल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो इस तरह से आप इसको लर्न करेंगे। बस इतने ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, बाकी मैंने जो आपको चार्ट में दिया, खासकर मैंने बोला सी डी फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये फार्मूला आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, फाइनली मैं लास्ट में आपको यही मैसेज करना चाहता हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लर्न करिए और बीच बीच में आप उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को फार्मूला में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि उसको रेगुलर यूज़ करता है। फिजिक्स के स्टूडेंट को क्यों प्रॉब्लम आता है, कभी कभी हम एक महीना दो महीने तक कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ नहीं किया, उसके बाद अचानक किसी डेरिवेशन में ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ हो गया तो हम क्या होता है, भूल जाते हैं। इसलिए मेरा आपको एक सजेशन है कि आप मैथमेटिकल टूल्स के जितने भी मेरे वीडियो आप वॉच कर रहे हैं उनका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, और उसके बाद बीच बीच में 15 डेज में 1 मंथ में जैसे आपको टाइम मिले तो एक बार उसको आप करिए, रिवाइज कर लीजिए, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और
आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसको आप पहुँचाइए ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू।